भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ देशभर के पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन भी जारी है। कुछ राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है, लेकिन पहलवानों ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। पहलवानों ने सभी दलों से इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। वहीं गुरुवार को जंतर मंतर पहुंची भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की नेता वृंदा करात को पहलवानों ने मंच से नीचे उतार दिया। जो स्टेट की जो फेडरेशन है वो सब इन जैसे लोग ही बैठे हैं, वो भी सभी भंग होनी चाहिए। हम चाहते हैं कुश्ती एक नए जीवन को एक नए जीवन के साथ बाहर आए। जो भी देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी है आप सामने आइए। मैडम माइक किसी को नहीं मिलेगा जी। मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज आप नीचे आ जाइए। मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज इसको, मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। आप नीचे चले जाइए प्लीज, प्लीज मैडम नीचे चले जाइए प्लीज। आपसे आज रिक्वेस्ट है, आप सामने आ जाइए मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ये खिलाड़ियों का धरना है ये। दरअसल वृंदा करात अपनी पार्टी के नेताओं के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंची थी। वो सीधे कुछ महिलाओं के साथ उस स्टेज में चढ़ गई, जहां से खिलाड़ी भाषण देकर अपने मुद्दों को उठा रहे थे। कार्यक्रम में मौजूद पहलवानों ने तुरंत बजरंग पुनिया को इस बात की जानकारी दी। इस पर पुनिया ने वृंदा करात और उनके साथियों को मंच से नीचे जाने के लिए कहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।